इसी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से कितने लोग फंसे हुए रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। वहां पे चाहिए राइट थिंकिंग। इस वीडियो को देखने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लें, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पॉजिटिव सोचने से सब कुछ ठीक हो जाता है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जबकि उनको पता भी नहीं है कि जिसे वो पॉजिटिव थिंकिंग समझते हैं वो सिर्फ एक उम्मीदों से भरी हुई थिंकिंग है, सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है कि अगर आप सब कुछ पॉजिटिव सोचते चले जा रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा होता ही चला जाएगा, ऐसा आप सोचते हो, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ही फंसे हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से रियलिटी को देखने की जो एबिलिटी होती है हमारी वो ख़त्म हो जाती है। किसी भी सिचुएशन या किसी भी इंसान के अंदर आपको वही दिखेगा जो पहले से आप दिमाग में धारणा बना के बैठे हो या पहले से मान के बैठे हो। एक्चुअल में वहां पे जो होगा आप उसे देख ही नहीं पाओगे। मान लो आपका एग्जाम है एक हफ्ते बाद और आप पूरा पॉजिटिव सोचते चले जा रहे हो कि आपका एग्जाम तो एकदम बढ़िया जाएगा, हर सब्जेक्ट में 90% मार्क्स आएंगे। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से 90% मार्क्स आ जाएंगे आपके? अगर ऐसा है तो इतने लाख स्टूडेंट जो एग्जाम देते हैं सबके उतने मार्क्स आने चाहिए, वो भी तो ऐसा सोचते हैं, ऐसा कौन नहीं सोचता है पॉजिटिव। लेकिन रियलिटी है कि ऐसा नहीं होता है बाबू। आपको ये देखना है, समझना है कि एक्चुअल में वहाँ पे सिचुएशन क्या है, उसे समझना है और उसके अनुसार काम करना है, जिसे बोलते हैं राइट थिंकिंग, जो पॉजिटिव थिंकिंग का बाप है। आपको देखना है कि एक हफ्ते बचे हैं एग्जाम में, तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी एकदम बढ़िया से कर लो, जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक में आपको जो वीक एरिया लगता है, जो वीक पॉइंट है, उसमें क्वालिटी टाइम देकर उसकी प्रैक्टिस करके उसे इम्प्रूव कर लो। हर सब्जेक्ट के हर तरह के क्वेश्चंस को लेकर अपने अंदर क्लैरिटी ले आओ कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप बड़े आराम से बना लोगे। तो जब ये क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप ही हाई हो जाएगा। तो अब काफ़ी चांसेस हैं इस बात के कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, जिससे अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये कैसे हो पाया? राइट थिंकिंग से। एक काम कर रहे हो, काम बार बार बन नहीं रहा, फिर भी पॉजिटिव सोचते चले जा रहे हो कि हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। इसी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से कितने लोग फंसे हुए रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। वहाँ पे चाहिए राइट थिंकिंग। देखो अपने काम को कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, तब आपको दिखने लगेगा कि अरे यार यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा ऐसा करना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर रहता। और इसी तरह की कई सारी गलतियाँ आपको नजर आने लगेंगी, तो वहाँ पे उसे सुधारो और साथ ही साथ अपने काम को इम्प्रूव करते चले जाओ। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उस काम के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपकी समझ से बाहर हो, सब कुछ आपकी समझ में होगा, सारा नॉलेज आपको हो चुका होगा, तो सक्सेस मिल चुकी होगी, मिल जाएगी सक्सेस आराम से। तो ये कैसे हो पाया? राइट थिंकिंग से ही ना। या एक रिलेशनशिप में हो और अपने पार्टनर के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहते हो तो उसकी रियल पर्सनालिटी को आप देख ही नहीं पाओगे, सिर्फ अच्छाइयाँ ही दिखेंगी, खूबियाँ ही दिखेंगी, जो बुराइयाँ और जो कमियाँ हैं उसके अंदर वो नहीं दिखेंगी आपको। लेकिन एक ना एक दिन तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ ही जाएंगी, तो फिर चोट पहुँचेगा। तो इससे अच्छा यही है कि हमेशा से ही राइट थिंकिंग रखो ना। आपका पार्टनर जो भी है, जैसा भी है, एक्चुअल में जैसा है या जैसी है उसे वैसा ही देखो। सिर्फ खूबियों को देखकर उसके पागल मत बनो, पगलाओ मत उसके पीछे। एक्चुअल में उसे देखो कि उसके अंदर जो खूबियां हैं और जो कमियां हैं, दोनों तरह की क्वालिटीज़ के साथ क्या वो आपको स्वीकार है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मत करो उसके साथ रिलेशनशिप यार, सिंपल। क्योंकि आगे चल के जब उसकी कमियां आपको नजर आएंगी, जब बुराइयां नजर आएंगी, तो फिर तकलीफ होगी। और डे टू डे लाइफ में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पे अपने पॉजिटिव सोचने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं कई बार हम, क्योंकि ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए और एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट थिंकिंग का होना, कि किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट में सिचुएशन क्या है, वहाँ पर रियलिटी क्या है, उसे समझना और उसके अनुसार काम करते चले जाना, तब आपके काम बनने के चांसेस जो हैं वो 99.99% बढ़ जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां चाहे अच्छी से अच्छी हों या बुरी से बुरी हों, अपने अंदर हमेशा राइट थिंकिंग रखो। इससे आप रियलिटी से जुड़े रहोगे, जो किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना ये सब नहीं हो सकता, समझे? फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।